मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले को लेकर शनिवार को इंदौर में सुनवाई हुई, जहां आरोपी पक्ष की महिलाओं द्वारा ली गई आपत्ति पर शासकीय अधिवक्ता की ओर से जवाब पेश किया गया, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से जवाब मांगे जाने को लेकर अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है। अभियोजन द्वारा 173 का जवाब दिया गया है, और जो हमने 91 का कमलनाथ के खिलाफ जो आवेदन पेश किया था उसमें जवाब देने के बजाय उन्होंने एक आपत्ति प्रस्तुत की है, तो हमने उसमें आपत्ति पर ये उठाया था कि जब इन्होंने आपत्ति में जवाब ही दे दिया है कि 91 में आवेदन पोषणी नहीं है तो इसमें जवाब की कोई आवश्यकता नहीं है, उस पर तर्क हो चुके हैं, और 173 पे हमने समय मांगा है तर्क करने के लिए, क्योंकि उसमें विस्तृत तर्क करने की आवश्यकता है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है सारा, है ना। अब ये तो आगे तर्क के दौरान जो भी न्यायालय डिसीजन ले, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी किस तरह की क्या कुछ नहीं, जवाब के लिए समय दिया गया है उसमें, है ना, 2 मार्च। अपना परिचय, एडवोकेट एम के दीक्षित। आज दिनांक को मध्य प्रदेश के बहुचर्चित मामले, जिसको हम सभी हनी ट्रैप प्रकरण के नाम से जानते हैं, इस मामले में माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय श्री मनोज कुमार तिवारी साहब के न्यायालय में आज सुनवाई हुई। आरोपीगण श्वेता जैन, बरखा सोनी और आरती दयाल की ओर से 2 आवेदन लंबित थे न्यायालय में, जिसे अभियोजन की ओर से जवाब जिनका पेश किया जाना था, धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता और धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता। इस पर अभियोजन की ओर से धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता, जिसमें आरोपीगण द्वारा यह वांछा की गई थी कि विवेचक को, जो इस मामले के अनुसंधान अधिकारी हैं, उनको निर्देशित किया जावे कि इस मामले को 1 माह में पूरा अन्वेषण समाप्त करें और अंतिम प्रतिवेदन चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, जिस पर अभियोजन की ओर से हमारे द्वारा जवाब आज दे दिया गया है। और जवाब में हमने यह आपत्ति उठाई है कि किसी भी अपराध के अनुसंधान अधिकारी को धारा 173 उपधारा 8 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत यह शक्ति है कि वह किसी भी प्रक्रम पर अपना अनुसंधान पूर्ण कर सकता है, या उस अनुसंधान समाप्त करने के लिए किसी भी अपराध में किसी अनुसंधान अधिकारी को समाप्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का जवाब हमने 173 दंड प्रक्रिया संहिता पर दे दिया है, जिस पर तर्क दोनों पक्षों के जो बहस है वो दिनांक 2 मार्च 2024 को न्यायालय द्वारा नियत की गई है। धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता का भी आवेदन इन्हीं आरोपीगण की ओर से न्यायालय के समक्ष लगाया गया था, जिस पर अभी हमने मूल जवाब नहीं दिया है। जवाब का अवसर समाप्त न हो, जवाब का अवसर हमारा सुरक्षित रहे, उसके साथ हमने धारा 91 सीआरपीसी के आवेदन पर एक विधिक आपत्ति ली है कि ये जो धारा 91 सीआरपीसी का आवेदन है, ये इस प्रक्रम पर जहाँ पर न्यायालय द्वारा आरोपीगण पर चार्ज फ्रेम नहीं किया गया है, आरोप विरचित नहीं किए गए हैं, इस प्रक्रम पर आरोपीगण की ओर से धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता का आवेदन पोषणीय नहीं है। और दूसरी आपत्ति यह ली गई है, विधिक आपत्ति, कि आरोपीगण की ओर से जो धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता का आवेदन लगाया गया है, उसमें जो वांछा की गई है आरोपीगण के द्वारा, वह अनुसंधान को बाधित करने संबंधी या अनुसंधान में हस्तक्षेप करने संबंधी है, तो और किसी भी मामले में किसी विवेचक को अनुसंधान को करने में कोई भी पक्षकार या कोई भी व्यक्ति बाधित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है कि आपको ऐसा करना होगा इस प्रकार से, तो हमारे द्वारा लीगल आपत्ति ली गई है। और धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता की अगर ये आपत्ति हमारी मान्य की जाती है तो ये विषय अभी समाप्त रहेगा। बस, अभिजीत सिंह राठौर, विशेष लोक अभियोजक, इंदौर। वो हो जाए उसका उधर।
रिपीट करना पड़ेगा ना, एक साथ हो जाए। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।